नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ग्राम पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, नए नए फैक्ट इसमें निकल के आ रहे हैं ना। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी और काफ़ी बहस की स्थिति बनी हुई है। इससे संबंधित पंचायत मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया था, जो कि अमर उजाला ने बताया था कि भैया आपने जब इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली है तो इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा है। तो इस पे दोस्तों अंतिम निर्णय आना बाकी है पंचायत मंत्री का। जो भी निर्णय आएगा आप लोगों के साथ हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित दोस्तों फॉर्म कैसे भरें, टोटल जानकारी के संबंध में हमने लगभग 5 से 7 वीडियो इसके ऊपर बना दिए हैं। तो अब आप लोग ये कमेंट्स ना करें कि सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा। सारी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट हमने पूरी बना दी है दोस्तों, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। हमने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, सारे वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ मुख्य क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं, इन पे बात करेंगे और नई अपडेट क्या हो सकती है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। यदि चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पल पल की अपडेट आपको इस भर्ती से संबंधित देते रहेंगे। और इस भर्ती से ही नहीं, आने वाली जितनी भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार में निकाली जाएंगी सारी वैकेंसियों को हम डिटेल में आपके साथ क्लियर कर देते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ इस टाइप के सवाल हैं, ये आप लोगों के भी हो सकते हैं या आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, ठीक है। कंप्यूटर डिप्लोमा लगेगा या नहीं लगेगा, सबसे ज़्यादा जो बहस हो रही है दोस्तों वो इसी बात पे हो रही है कि जब ये कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है तो इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा गया। पंचायत मंत्री को इसके संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है कि जब आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली है तो आपने इसमें कंप्यूटर ज्ञान को आवश्यक क्यों नहीं समझा। नोटिफिकेशन में सीधा सीधा 12th योग्यता बताई गई है, 18 से 40 साल आपकी एज हो, आप उसी ग्राम पंचायत के रहने वाले हो, ये 3 क्वालिफिकेशन आपके अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर ज्ञान के बारे में दोस्तों कुछ नहीं बताया गया है, तो इसके बारे में अंतिम निर्णय हो सकता है आज शाम तक आ जाए या फिर कल आपको कोई सूचना इससे संबंधित देखने को मिले। तो जैसे ही कोई सूचना इस पे संबंधित आएगी हम आपको दोस्तों अवगत करा देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नौकरी कितने घंटे की होगी? तो देखिए ये पंचायत की जॉब है ना, ग्राम स्तर की जॉब है, इसमें कोई लंबा चौड़ा क्राइटेरिया आप लोगों के लिए नहीं पूरा करना है कि नहीं 9:30 बजे जाना है और 6 बजे शाम को आना है, पूरे 8 घंटे की है ना। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जॉब होती है तो उसमें ये क्राइटेरिया होता है जो कि प्योरली गवर्नमेंट होता है। जैसे हमारा ऑफिस है, सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 6 बजे तक चलता है, चूँकि हमारा सेंट्रल ऑफिस है ना, श्रम विभाग का जो डिपार्टमेंट है। तो उसमें दोस्तों जो होता है कि वो पूरा समय आपको देना होगा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई आपको नहीं देखने को मिलेगा कि भाई आपको 8 ही घंटे बैठना है। रोजगार सेवक आपके यहाँ एक जॉब करता है, आपको पता होगा है ना कितने घंटे जॉब करता है, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे। जितनी देर मनरेगा के मजदूर काम करते हैं उतनी देर वो उनके साथ रहता है, बस इतना ही काम होगा दोस्तों। और ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम करने की ज़रूरत है और ना ही कोई आपके ऊपर प्रेशर होगा, आप होंगे और आपका प्रधान होगा, तो जो काम प्रधान आपको बताएगा वो आप कर देंगे, कोई बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना है। ऑफिशियली स्टेटमेंट अगर इसके बारे में देखा जाए, ऑफिशियली अगर इसके बारे में कहा जाए तो दोस्तों सीधा आप समझ सकते हैं कि 8 घंटे की जॉब हो सकती है ना, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं। अगला सवाल है ट्रेनिंग कितने दिन की होगी? तो नोटिफिकेशन में दोस्तों बताया गया है कि आपकी ट्रेनिंग 2 महीने की कराई जाएगी। आपकी ट्रेनिंग कितने की होगी? 2 महीने की कराई जाएगी, जिसमें आपको कुछ बेसिक बातें सिखाई जाएंगी, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आपको इसमें वर्क करना है ना, कैसे डेटाबेस को आपको मेंटेन करते हुए चलना, ये सारी बातें दोस्तों आपको इसके दौरान बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये काम कब होगा, आप जब ज्वाइन कर जाएंगे तब उसके बाद की चीज़ें हैं ये। अगला सवाल है काम क्या करना होगा? तो काम दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, जो प्रगति रिपोर्ट होती है प्रधान की है ना, कितना काम कराया है, यही सारी रिपोर्टें आपको मेंटेन करके कंप्यूटर पे रखनी है। और कौन सी योजना हमारी ग्राम पंचायत के लिए आई है इसके बारे में अपने गाँव वालों को अवगत कराना है, उसको अपने कंप्यूटर में मेंटेन करके रखना है। यदि कोई ग्राम पंचायत का व्यक्ति आपके पास कोई जानकारी लेने के लिए आता है राज्य सरकार के संबंध में तो आप उसको जानकारी भी प्रोवाइड कराएंगे, ये काम भी आपका ही रहेगा। फॉर्म कहाँ जमा होगा? तो दोस्तों देखिए किसी भी यूट्यूबर के कहने में आप बताइए कि यहाँ जमा होगा, ये लिख के जमा कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, बिल्कुल किसी की बात पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल जॉब है, आप इसके साथ बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, आप सीधा अपने ब्लॉक से संपर्क करें, किसी की बातों में ना आए, ठीक है ना। दुनिया भर के झूठ लोग बोल रहे हैं इस बात को लेकर कि ऐसा होगा वैसा होगा, सीधे आप अपने ब्लॉक से संपर्क करेंगे। आपके ब्लॉक में एक पंचायत कार्यालय होता है दोस्तों, पंचायत कार्यालय में जाके आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि आपका फॉर्म कहाँ पे जमा होना है, किसी की बातों में नहीं आना, ना ही आपको फॉर्म भर के प्रधान के हवाले कर देना है, ना ही स्पीड पोस्ट करना, सीधी जानकारी लेने के बाद ही आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ का बहुत अच्छे से।
परमानेंट होने के कितने चांस है? काफ़ी सारे दोस्तों के ये सवाल भी आए थे कि सर ये जॉब कभी भविष्य में परमानेंट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो देखिए, कोई भी वैकेंसी जब संविदा पे उत्तर प्रदेश में निकाली जाती है, इससे पहले भी बहुत सारी संविदा निकाली गई हैं हॉस्पिटल में, है ना, शिक्षा मित्रों को देखते होंगे, आंगनबाड़ी वगैरह, बहुत टाइप की संविदाएँ हमारे यहाँ चल रही हैं। तो बहुत सारे पद अभी प्रोसेसिंग में हैं जो कि परमानेंट होने की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ को सरकार ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि नहीं भाई, इनको हम परमानेंट नहीं करेंगे। तो इसके बारे में दोस्तों अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। फिलहाल तो आपकी 12 महीने ये कंप्लीट कीजिए, शुरू में जो 11 महीने के लिए दिया जाएगा, 12 नहीं 11 के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका आचरण सही रहता है तो 2 साल के लिए दोस्तों आपको और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 11 महीने आप पहले यहाँ कर लीजिए, जब आपका आचरण देख लिया जाएगा, आपकी ग्राम पंचायत कहेगी हाँ इनका काम बिल्कुल संतोषजनक है, तो आपको 2 साल के लिए और इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि रिन्यूअल कर दिए जाएंगे आप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते रहते हैं, इस पर हम वीडियो बना देते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी वैकेंसियों की डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों के आंसर आपको भलीभांति मिल गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट्स करिए, हम उसका रिप्लाई या तो कमेंट्स में दे देंगे, अगर जरूरी हुआ तो वीडियो भी बना देंगे। न्यू अपडेट दोस्तों इसके बारे में यही है कि बहुत जल्द इसमें कंप्यूटर को ऐड करने की बात सरकार करेगी, ठीक है ना। क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बिना दोस्तों आपको भी पता है कि जो सिर्फ 12th पास है, जिसको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता है, उसको कंप्यूटर सीखने में अच्छे से काफ़ी समय लग जाएगा। तो सरकार ऐसा रिस्क नहीं ले और जल्दी से इसमें कंप्यूटर को वैलिड कर दे, भले ही चाहे वो CCC लेवल का ही सर्टिफिकेट मांगा जाए, लेकिन कंप्यूटर को रखना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी और कंप्यूटर ही नहीं मांग रहे हैं आप, तो दोस्तों ये थोड़ा सा गलत है ना। बाकी सारी दोस्तों वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे सारी वीडियोज के, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को भली भांति देख पाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।